स्वामी रक्षा बंधन मोहर्तो समहर्तो अस्तु। हेलो, इस बार मैं उन लोगों के हाथ से नहीं बच पाऊंगा यार। किसी को बिना बताए अचानक हैदराबाद आना पड़ा। यहाँ तो तू भी नहीं है जो मुझे आके बचा ले यार। मैं क्या करूँ यार, यहाँ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये लोग मुझे मार देंगे यार। अभी कहाँ पर है तू? इसने कई लोगों को मारा होगा, तुमने इसे मार दिया, कोई बुरी बात नहीं है। जाओ अपनी जिंदगी संवारो। ये क्या है भाई, टेंशन तो लड़की वालों को होनी चाहिए ना, लेकिन मैं तो लड़के वाला हूँ, फिर मुझे क्यों टेंशन हो रही है? देखिए आप एमएलए है ना, तो धूमधाम से शादी करनी चाहिए थी ना, इतने सादे तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपकी औकात नहीं है, उनकी चाल है। मेरे लायक कोई काम है? अरे तो जाने यहाँ से।
धमकियों से डर जाता तो और बात थी, कितनी कोशिश की पर वो हर जगह इसे बचाने पहुंच जाता है। अब सबसे आसान रास्ता यही है कि लड़की की शादी इसके साथ करके अपनी इज्जत बचा ले। जरा इसकी हालत तो देखो, जवान लड़का है ना। देश की जनसंख्या का 70% यूथ है। इतने यूथ दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारा देश युवा देश है, तो आपके विचार से युवाओं की सोच कैसी होनी चाहिए? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है सर। अगर इस पर काम किया जाए तो सब ठीक हो सकता है। और दूसरी बड़ी समस्या है अशिक्षा। हर कोई पढ़ाई कर सके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और इन समस्याओं से बढ़कर भी एक और समस्या है सर, लो एस्पिरेशन। लो एस्पिरेशन इज एन इंटरनेशनल क्राइम। अगर आप इसे दिल से निकाल देंगे तो सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कहां से आई तुम्हें इतनी समझ और कहां से आई इतनी क्लैरिटी? गाइडेंस फ्रॉम एनीबॉडी, या फिर किसी ने तुम्हें बताया कि ऐसा ही कहना? मेरे पापा एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से थे। वो हफ्ते के सातों दिन काम करते थे, लेकिन ये शर्म की बात नहीं। मैं भी अपने पापा की तरह रात दिन मेहनत करना चाहता हूँ सर।